आप देख रहे हैं न्यूज 24 पंजाब हरियाणा। पंजाब में कांग्रेस की पहली लिस्ट आने के बाद जहां लोगों में उत्साह था, वहीं महिलाओं के अंदर थोड़ी सी नाराजगी हुई है, क्योंकि जिन महिलाओं ने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए आवेदन दिया था पार्टी को, उनको टिकट नहीं मिल पाया किसी रीजन से। मेरे साथ लुधियाना में कांग्रेस पार्टी की काउंसलर हैं राशि अग्रवाल, इन्होंने भी अप्लाई किया था नॉर्थ हल्के से इलेक्शन लड़ने के लिए, लेकिन इनको टिकट नहीं मिला। टिकट उनको मिला जो पहले से ऑलरेडी एमएलए थे। तो अग्रवाल मैडम, किस तरीके से देखते हैं, आपने अप्लाई किया था और आपको टिकट नहीं मिली, लेकिन वहीं पे यूपी की बात करें तो यूपी में 40% महिलाओं को टिकट दिया गया, लेकिन पंजाब में वो चीजें नहीं हो पाई, तो इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, मनोभाव जो भी है उसे शब्द देना, शब्द इस प्रकार से देना कि परिवार की मर्यादा भी रह जाए और परिवार की बेटी बहुओं की जो भी इस मैदान में रण में जो सुसज्जित खड़ी थी, उन्हें जब कहा गया कि आप योग्य हैं लेकिन आप रण में नहीं आ सकती, तो एक वो मन का वो भाव, वो नाराजगी भी पता लगे। तो यही कहूंगी, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। हो गई है पीरसी, अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। कांग्रेस वो पार्टी है, हमें ध्यान रखना होगा, ये इंदिरा की लौह नारी, स्वतंत्र भारत की पहली, समूचे विश्व में नाम करने वाली, ये उस महिला प्रधानमंत्री के हम मैं कहूंगी उस पार्टी, उस परिवार के वंशजा हैं हम। तो पुरुष प्रधान समाज है, वहां हम 50% क्यों मांगे, 40% क्यों मांगे? और ये पुरुष प्रधान समाज जो हमें 50% देगा, मैं तो कहूंगी हमारे ही अंक से उपजते हैं, बहन की तरह हमारे इन बाहों में उस झूले में झूलकर ये बड़े होते हैं। तो मैं आपको कहूंगी, महिलाओं से अधिकार लेते हुए आज मैं आपको मेरे मन का जो भाव है, मैं बूंद नहीं पानी कि वाष्पित हो जाऊंगी और वायुमंडल में मैं अदृश्य हो जाऊंगी, मैं जलधारा हूं, मैं बहती चली जाऊंगी, अपने लिए रास्ते स्वयं बनाती चली जाऊंगी। आपको हमारी जरूरत है, सींचते चले जाएंगे हम आपके खेत खलिहान मानव समाज। तो बहुत इसके भीतर बहुत मर्म है, समझने की आवश्यकता है, और मैं कहूंगी समय के साथ इस क्षेत्र में सही कदम उठाने की आवश्यकता है। किस तरीके से देखते हैं, आपको टिकट नहीं मिला, आपने पूरी उम्मीद बना के रखी थी कि नॉर्थ हल्के से आपको टिकट मिलेगा, तो इसको किस तरीके से आप देखते हैं? भाई गौतम, मैं इसको सीमित करती ही नहीं सिर्फ नॉर्थ हल्के तक, अपने किसी की पराजय मेरा लक्ष्य नहीं, मेरी कोशिश है। मैंने कहा ना कि ये मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। समूचे अगर अर्बन की बात करूं, मैं पूरे अर्बन में यहां से आज तक कोई भी महिला आवाज विधानसभा में नहीं गई किसी महिला को, तो ये सिर्फ एक राशि हेमराज अग्रवाल अपनी बात नहीं करती, कोई एक महिला जब ओज की आवाज थी कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, या फिर पंजाब की जमीन से पंजाबी अपना हक जान दिए, इस तरह के नारों को समूचे आभा मंडल में पंजाब के जब हमने सुना, एक ओज और इस बारी रिकॉर्ड तोड़ महिलाओं ने आवेदन भरा, तो उस क्षेत्र में हमारे वरिष्ठों के द्वारा क्या उनके द्वारा महिलाओं के लिए सतह दी गई, ये जरूर ये मैं समझती हूँ कि वरिष्ठ ही इसका मंथन करें। अच्छा मैम, एक चीज और आप बता दीजिए, आपको टिकट उत्तरी हल्के से नहीं मिलेगा, आज के डेट में ये चल रहा है दल बदल वाला सिस्टम चल रहा है, कोई किसी पार्टी में जा रहा है तो कोई किसी पार्टी में जा रहा है, तो आपको किसी पार्टी से ऑफर आया था कि आप नॉर्थ हल्के से आप इलेक्शन लड़ो? जी गौतम जी, जितने भी अभी पार्टियां अभी वर्तमान में काम कर रही हैं, सभी के वरिष्ठ विशेष स्नेह विशेष आदर आशीर्वाद रखते हैं, मुझे भी बिल्कुल मौके मिले हैं, लेकिन मैं आपको बतलाऊंगी भारतीयता के भाव से मेरा हृदय यूं कुछ भीगा हुआ है कि मन में आज ये भाव जरूर है कि यदि परिवार में आज थोड़ा जरूर नाराजगी भी है, क्योंकि मेरा ये भाव है कि क्षणभंगुर जीवन की कलिका, न जाने कल प्रात खिली न खिली, एक ये भी बात है कि न जाने कल का सुबह कब आएगा, कि मैं एक अगले मौके का इंतजार करूं, काल करे सो आज करे सो अब, बल में परलय होएगी बहुई करेगा कब, तो एक वो भाव भी है, नाराजगी भी है, किंतु भारतीयता के उस भाव के साथ
वो एक घर की माँ भी हूँ, मैं बहन हूँ, बेटी हूँ, तो ये भाव है कि आज परिवार में कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही तो कोई बेवफा नहीं होता, तो मन को यूं संभाला है कि परिवार को जोड़ के रखना है, नाराज नहीं होना है, ये समय है, ये चुनाव का समय है। प्रत्येक कांग्रेसी को भी यही कहूंगी, जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, आज देश के लिए यदि आपके हृदय में वंदे मातरम का यदि नारा गुंजायमान होता है तो आज एकजुट हो जाइए। परिवार में 100 बातें होती हैं, नाराजगी एक तरफ छोड़कर इस समय देश के लिए, पंजाब के लिए हाथ को हमने चुनना है, ये हाथ ही हमारे पंजाब के भविष्य को बलिष्ठ करेगा। जी बिल्कुल, इनका साफ कहना है कि अगर टिकट नहीं मिला तो नाराज नहीं होना चाहिए और एकजुट होकर के सभी लोगों को कांग्रेस को जिताना चाहिए। अगर ऐसे लोग नाराज होते रहेंगे तो पार्टियां बिखर जाएंगी, ये मैडम का कहना है। राजेश गौतम, न्यूज 24, लुधियाना।